आराम से भी बात कर सकते हैं। ये मैं आराम से ही बात कर रहा हूँ। अगला आके मंगनी भी कर गया। ओए अपनी जुबान को लगाम दो। आराम से ही बात कर रहा हूँ। इतनी गालियाँ दूंगा ना कि कानों से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। वो जान छोड़ने नहीं आया बल्कि जान का अजाब बन के आया है। मीनू 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 मीनू। ड्रामे के अगले एपिसोड में अशरफ सोचता है कि मेरी बेटी रानी तो मर गई, लेकिन अब मैं शेर साहब और उसकी बीवी के पास जाता हूं और कहता हूं कि तुम लोगों की वजह से मेरी बेटी मर गई है, अगर मैं चाहूं तो एक मिनट में अपना बयान रिकॉर्ड करवा कर तुम दोनों को हवालात में बंद करवा सकता हूं, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो मुझे ये काम करने से रोक सकते हैं और मैं बयान नहीं दूँगा आपके ख़िलाफ़, लेकिन इसके लिए मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है और आप लोग मुझे दे दें। इसीलिए शेर साहब और उसकी बीवी असलम का मुंह बंद करवाने के लिए उसे और पैसे दे देते हैं, जबकि डॉक्टर नौफल उनसे कहता है कि रानी के साथ जो जुल्म हुआ है हम उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाएंगे, लेकिन अशरफ डॉक्टर नौफल की बात मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि हमारे साथ जो होना था वो हो गया, हम किसी के खिलाफ नहीं जाएंगे, जबकि रानी की माँ कहती है कि मैं अपनी बेटी के कातलों से बदला ज़रूर लूँगी, और रानी का भाई भी डॉक्टर नौफल को बता देता है कि मेरी बहन को शेर साहब की बीवी ने मारा है। दूसरी तरफ रात को जब मीनू डॉक्टर नौफल के पास पढ़ने के लिए जाती है तो वहीं पर मलिक नादिर का मुलाजिम उसे देख लेता है और पूरे गांव में शोर मचा देता है कि मीनू अच्छी लड़की नहीं है, और रात के अंधेरे में डॉक्टर से मिलने के लिए आती है। सुबह को सारा गाँव मीनू के ख़िलाफ़ हो जाता है और कहता है कि इसको इस गाँव से निकाल दें।